आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स जो कि हमें आज कवर करने हैं। तो मैकेनिक्स बेसिकली, वैसे तो हम सिंपल मशीन्स पढ़ लेते हैं, बट अप्लाइड मैकेनिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशन भी थी, कुछ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो ये हमें ज़रूरत थी हमें इस चीज़ की। तो जनरली हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। बहुत ही ईजी टॉपिक है मैकेनिक्स के अंदर, जो छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि काम में आएंगे आपके। तो जनरली मैकेनिक्स होता है क्या है? मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस एंड इट इफेक्ट, यानी विज्ञान की एक वह शाखा होती है जिसके अंदर बलों का अध्ययन किया जाता है और किसी भी वस्तु पर लगने वाले उसका प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब मैकेनिक्स जो होती है एक साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम फोर्सेस का अध्ययन करते हैं और उसका लगने वाले क्या इफेक्ट हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं जनरली। तो ये होती है मैकेनिक्स। तो जनरली मैकेनिक्स को हम सिंप्लीफाई करने के लिए, एक बार में हम सब कुछ नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अप्लाइड मैकेनिक्स को कुछ करने के लिए हम कुछ कैटेगराइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डैट इज़ द स्टैटिक्स एंड डायनेमिक। जैसे कि हिंदी में नाम है इसका स्थिति विज्ञान और इंग्लिश में है गति विज्ञान। तो स्थिति विज्ञान का मतलब ये कोई भी हमारा सिस्टम है जिस पर हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वो हमारा एक मोशन करता बनी होगा, डैट इज़ द स्टैटिक बोल देंगे स्थिति विज्ञान। जब कोई भी एक हमारा सिस्टम है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम पूरा मूव करेगा तो उसे बोलते हैं डायनेमिक गति विज्ञान। जैसे कि स्टैटिक विज्ञान का हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एक बिल्डिंग है हमारी, तो वो बिल्डिंग एक अपनी रुकोपी अवस्था में है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं बिल्डिंग पे, एयर का फोर्स हो सकता है, कोई भी उस पर चल रहे हैं कोई भी चीज़ इस तरीके से। तो हमारा सिस्टम जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं वो रुका हुआ है तो उसे बोलते हैं हम स्टैटिक्स बोलते हैं। जब हमारा सिस्टम मूव कर रहा है उसे बोलते हैं हम डायनेमिक्स। जैसे कि एरोप्लेन एग्जाम्पल हो सकता है इसका हमारा, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारी, तो वो डायनेमिक्स के अंदर आती हैं। जो सिस्टम हमारा मूव करेगा और फिर हम उस पर गति करेंगे, साइकिल्स हो सकती है, मोटरसाइकिल्स हो सकती है। तो बेसिकली हमने डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान को भी दो पार्टों में डिवाइड किया है, डैट इज़ द काइनेमेटिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड इज काइनेटिक्स, शुद्ध गति विज्ञान एंड बल गति विज्ञान। तो इसके अंदर हमने ये लिया है, जैसे कि सिंपल सा है ये, जैसे कि शुद्ध गति विज्ञान और काइनेटिक्स हमने दो पार्टों में डिवाइड कर लिया चीज़ को। सो शुद्ध गति विज्ञान के अंदर हम स्टडी करेंगे कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी हमारा सिस्टम जो मोशन में है गति कर रहा है, बट हम ये स्टडी नहीं करेंगे कि गति जो कर रहा है वो किस कारण से कर रहा है। जैसे कि सपोज डैट हमारी कोई साइकिल चल रही है या हमारा एयरप्लेन चल रहा है हमारा, तो हम एयरप्लेन चल रहा है हम उसकी मोशंस की ही गति करेंगे, हम मोशंस या गति की हम स्टडी करेंगे ओनली। हम ये गति, ये हम स्टडी नहीं करेंगे कि वो किस कारण से गति हो रही है हमारी। साइकिल से चल रही है हमारी, साइकिल्स का एक्सीलरेशन वेलोसिटी ये चीज़ें हम निकालेंगे इसके अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर, बट हम ये नहीं करेंगे ये किस कारण से हो रहा है। मतलब ये होगा कि स्टडी करेंगे हम विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ मास एंड फोर्स, दिस टाइप ऑफ स्टडी कम अंडर द काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाएगी। और जब हम स्टडी करेंगे फोर्सेस की, जब हम स्टडी करेंगे फोर्सेस की वेलोसिटीज की विद इफेक्ट ऑफ मास एंड एक्सटर्नल डिवाइस से क्यों लग रहा है, मतलब ये, तो उसके अंदर हम स्टडी करते हैं हम काइनेटिक्स की यानी बल गति विज्ञान। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज डैट अगर कोई साइकिल चल रही है, तो साइकिल अगर चल रही है किस कारण से चल रही है, कितना मास है उसके अंदर, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जब सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं तो वो चीज़ आ जाती है हमारी काइनेटिक्स के अंदर आ जाती है। तो ये बेसिकली होता है हमारा। तो इन ए शॉर्ट सिस्टम में हम बोल सकते हैं कि स्थिति विज्ञान, जब हमारा सिस्टम जो है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं वो रुकावा होगा, डायनेमिक्स में वो सिस्टम जिस पर हम गति कर रहे हैं वो मूवमेंट होगा, गति करता हुआ होगा, उसको हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, डैट इज़ द काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हम गति का अध्ययन करेंगे बिना इफेक्ट जाने कि उस पर कितना फोर्स और उस पर एक्सटर्नल जो मास लग रहा है वो कितना है, वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। जबकि काइनेटिक्स में बल गति विज्ञान के अंदर हम गति का अध्ययन करेंगे, साथ साथ हम जो बाह्य कारण है जो एक्सटर्नल इफेक्ट हो रहा है किस वजह से हो रहा है उसका हम ये भी रीज़न याद करेंगे, मतलब फोर्स का और मास का भी इफेक्ट याद करेंगे। ये हमारा एक टॉपिक था। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं। ये कभी कभार एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछ लेता है कि ये किस तरीके से चीज़ें होती हैं ये, तो इसलिए हमने ये चीज़ देखने की कोशिश करी यहाँ पर।
एक मिनट, यस। तो ये हमारा नेक्स्ट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो आप एग्ज़ाम में बेसिकली कभी कभार पूछ लेता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। बड़ा इजी टॉपिक है ये और इसे समझना भी बड़ा इजी है। इसे देख सकते हैं आप इस तरीके से, जैसे कि कोई एक सिस्टम है हमारा, जैसे कि कोई हम सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा सिस्टम है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, और इसके सेंटर ऑफ मास जी, जी सी है, सेंटर ऑफ मास की एक रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन से सेंटर ऑफ मास इसका जी है, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है जी सी है, इस पर फोर्स लगा है, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारे पास गिविन है। अगर हम इस फोर्स लाइन ऑफ एक्शंस, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शंस पे किसी भी पॉइंट पर, अगर इस ये हमारे पास लाइन है हमारे पास, सपोज करो यहाँ पर ये, अगर ये लग रहा है इस तरीके से, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी मान सकते हैं हम इस लाइन पर, इस पॉइंट पर हम कितने भी पॉइंट पर हम कहीं पर भी लाने, तो लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं पर भी हम फोर्स अगर कंसीडर करें तो वो सेम वैल्यू और सेम इफेक्ट दिखाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर कि कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, आप फोर्स को उसी लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं पर भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं पर भी दिखा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जो हम जिस जिस सिस्टम पर हम स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा सिस्टम था ये, बॉडी बनाई थी हमने, जैसे कि हमने सिस्टम पर बॉडी बनाई थी हमने ये जैसे हमने सिस्टम पर बॉडी बनाई थी, तो सिस्टम हमारा डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। मतलब सिस्टम जो हमारा ये पूरे का पूरा जो हम ले रहे हैं, ये सिस्टम जिस सिस्टम हमने कंसीडर किया था ये इस तरीके से, तो जिस तरह हमने सिस्टम कंसीडर किया था ये, तो सिस्टम पूरा हमारा ये नहीं करना चाहिए कि इस तरीके से डिफॉर्म हो जाए। मतलब सिस्टम पूरा जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो पूरा दृढ़तापूर्वक, मतलब रिजिड होना चाहिए, डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम, उस वाले कंसेप्ट को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। तो बड़ा इजी कंसेप्ट है, कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लेता है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब जब हम बलों की बात ही करते हैं पूरे अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ा, मैकेनिक्स एक साइंस की ब्रांच थी जिसमें हम फोर्सों का अध्ययन कर रहे थे हम यहाँ पर। अब फोर्सों का अध्ययन कर रहे हैं तो फोर्स एक है तो नॉर्मल सी बात है बहुत ही, बट जब बहुत सारे फोर्स एक समूह में लग रहे हों, जब एक से अधिक बल हों, तो पूरा एक सिस्टम बन जाता है वो फोर्स का। तो उसको हमें स्टडी करनी, उसकी चीज़ की हमें स्टडी करनी होगी जब एक से अधिक बल लगे होते हैं, तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ फोर्स। तो सिस्टम ऑफ फोर्स बेसिकली डिपेंड करता है हमारा कुछ टाइप पर, जैसे कि डायरेक्शंस क्या दे रखी है हमारी फोर्स की, जितने भी फोर्सेस लगे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शंस क्या है, वो फोर्स जो है किस प्लेन में लगे हैं। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि प्लेन्स आप पढ़ चुके हो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, प्लेन जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, मतलब स्टडी करने के लिए। जैसे कि आप अब सपोज डैट अपने स्टडी रूम में बैठे हैं, एक आप कमरे में के अंदर बैठे हैं, तो आपके सामने एक दीवार है तो वो एक प्लेन है, आपके पीछे एक दीवार है तो डेट इज़ द प्लेन, आपके ऊपर टॉप, आपके बॉटम में, आपके लेफ्ट में, आपके राइट में। तो एक अगर हम क्यूबाइड या क्यूब लें, हम क्यूबिक लें, सिस्टम लें हम, तो उसके अंदर सिक्स प्लेन हो गए किसी चीज़ के अंदर हमारे, तो सिक्स प्लेन होते हैं। तो फोर्सेस हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हो सकता है, तो स्टडी को कैटेगराइज करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेन होते हैं तो उसको हमने डिफाइन कर लिया है यहाँ पर। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं ये, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है हमारी कि हम किस सिस्टम में काम कर रहे हैं, किस कौन सा सिस्टम क्या है। तो उसको हमने क्लासीफाई कर लिया दो तरीके से। तो पहला तरीका हमारा ये है कि जब हम डिफाइन करते हैं सिस्टम को, फर्स्ट सिस्टम इज़ द कोप्लेनर, सेकेंड इज़ द नॉन कोप्लेनर। जैसे कि कोप्लेनर का हिंदी का मतलब ये समतलीय प्लेन, मतलब सम माने समान, तलीय मतलब सम प्लेन है, मतलब हमारा बिल्कुल समान प्लेन है, उस पर लग रहे हैं बल हमारे, तो उसे बोलते हैं हम समतलीय प्लेन। तो समतलीय प्लेन को भी हमने तीन तरीके से डिवाइड किया है, डेट इज़ द फर्स्ट कोप्लेनर फोर्स, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, और इसके बाद हमारा कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। तो मैं कोप्लेनर नहीं बोलूँगा बार बार, क्योंकि कोप्लेनर तो हम पढ़ ही रहे हैं इसके अंदर, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं इसकी इसके अंदर कि पहला आपका हो गया कॉन्करेंट, दूसरा आपका नॉन कॉन्करेंट, और तीसरा आपका हो गया नॉन पैरेलल फोर्स, सॉरी पैरेलल फोर्स। तो ये तीन तरह के फोर्स रहेंगे हमारे, इस तरीके से तीन तरह के प्लेन रहेंगे। तो तीन तरह के प्लेन हम ग्राफ से समझ सकते हैं बड़े इजीली, जैसे कि क्योंकि मैंने पहली हेडिंग बोल दी थी कि कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन रहेगा जिस पर हम स्टडी करते हुए होंगे, वो हमारा सेम प्लेन रहेगा, एक ही प्लेन रहेगा, दूसरे प्लेन पे नहीं जाएंगे। तो जैसे कि हमारा एक प्लेन ले लिया हमने कोई से भी, जैसे कि मैंने बताया कि आपने रूम में या कहीं पर बैठे हों, तो सामने वाला प्लेन ले सकते हैं, ऊपर वाला कोई एक प्लेन लेंगे आप, तो उसे बोलते हैं कोप्लेनर, कोप्लेनर। तो एक ही प्लेन के अंदर इसमें पहली डेफिनेशन है कॉन्करेंट। तो फिगर नंबर 1 से हम देख पा रहे हैं कि
फिगर नंबर वन से हम देख पा रहे हैं, जैसे मैंने टिक किया है यहाँ पर, तो कोई एक प्लेन है इस पर डिफरेंट तरह के फोर्स लगे हुए हैं जो कि एक ही बिंदु से, या तो वो एक ही बिंदु से होकर जाएंगे, या एक ही बिंदु से यानी एक ही बिंदु से अवे होंगे, या एक ही पॉइंट पर मिलते हुए होंगे। जैसे कि एफ वन फोर्स है, एक पॉइंट से होकर जा रहा है, एफ टू फोर्स है उस पॉइंट बिंदु पर आ रहा है। तो ये हमारा जो बिंदु होगा, ये जो हमने बिंदु हमने लिया इस तरीके से डार्क किया मैंने, एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव, तो एक प्लेन के अंदर है और एक ही पॉइंट से होकर जा रहे हैं ये आ रहे हैं, मतलब इस तरीके। तो उसे बोलते हैं कॉन्करेंट, हिंदी में बोलते हैं ऐसे संगामी तल, पढ़ा भी होगा आपने हाई स्कूल में ये चीज़। तो कॉन्करेंट जो होता है, एक एक ही प्लेन में फोर्स लगे होते हैं और एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं या आते हुए होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम कॉन्करेंट फोर्स। वेरी इजी प्रॉब्लम, इजी है मतलब, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉन्करेंट। इसका उल्टा जस्ट कि प्लेन तो एक ही रहेगा आपका कोप्लेनर, क्योंकि प्लेन कोप्लेनर तो हम पढ़ ही रहे हैं। नॉन कॉन्करेंट का मतलब है जब एक ही तल में होंगे बट उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगी। जैसे कि एफ वन की देख रहे हैं आप, एफ वन फोर्स की देख रहे हैं कि इसके अंदर ऊपर जा रही है, एफ टू की कुछ डिफरेंट जा रही है, तो वो क्या हो गया, असंगामी हो गए, मतलब नॉन कॉन्करेंट बन गए। तो कॉन्करेंट का उल्टा जो है वो नॉन कॉन्करेंट हो गया जस्ट। तो बड़ा इजी है ये भी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट वाला, पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स का मतलब ही यह होता है कि समानांतर फोर्स, समानांतर मतलब एक ही समानांतर रहे उनके अंदर, तो समानांतर फोर्स है तो इजी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। कोई एक फोर्स ऐसा लग रहा है तो दूसरा फोर्स इस तरीके से लग रहा है, या तीसरा फोर्स इस तरीके, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है तो वो सेम रहेगी बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं हम समानांतर फोर्स। मतलब एक ही डिस्टेंस मेंटेन रहे उनकी, तो उसे समानांतर फोर्स बोलेंगे। तो जितने भी हमने पढ़े अभी इस तरीके से, तो कोप्लेनर फोर्स पढ़े जो कि एक ही समतल के अंदर फोर्स है। बट अब हमें पढ़ना है नॉन कोप्लेनर फोर्स। जैसे कि हमने एक प्लेन लिया था, कोई सा भी हमने कोई भी एक प्लेन ले लिया था, हमने एक ही तल लिया था, और हम एक से ज़्यादा तल होंगे, दो तल हो सकते हैं, तीन तल हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक फोर्स लगा है, अगर मैं स्पेस में एक फोर्स ले लेता हूँ सपोज डैट, मैं स्पेस में एक फोर्स ले लूँगा इस तरीके से, तो वो एक उसकी नॉन कॉम किस चीज़ की फॉर्म बनाएगा, वो नॉन कोप्लेनर फोर्स की बनाएगा, मतलब असमतलीय हो जाएगा वो। तो असमतलीय फोर्स भी तीन तरह के होते हैं जनरली, जैसे कि कोप्लेनर फोर्स था, कोप्लेनर के अंदर कॉन्करेंट था, इसलिए नॉन कोप्लेनर के अंदर कॉन्करेंट, फिर नॉन कोप्लेनर के अंदर नॉन कॉन्करेंट हो जाएगा, फिर नॉन कोप्लेनर के अंदर हमारा पैरेलल फोर्स हो जाएगा इस तरीके से। तो ये भी तीन तरह के होते हैं इस तरीके से। तो मैं इनको दिखा रहा हूँ फिगर की तरीके से। तो ये हम पहला फिगर दिखा रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा, पहला फोर्स होगा हमारा कॉन्करेंट। तो मैं इसको फिगर को ऐसे नोट कर रहा हूँ, डैट इज़ द कॉन्करेंट हो जाएगा ये। तो ये कॉन्करेंट हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, हम जितने भी फोर्स पढ़ेंगे अब सिस्टम जो हमारा होगा वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होगा। तो हमारा जैसे कि फर्स्ट प्लेन है हमारा, ये जैसे कि सेकंड प्लेन है, ये थर्ड प्लेन है, इसके पीछे वाला फोर्थ प्लेन, इसके नीचे वाला फिफ्थ, तो सिक्स तरह के इस तरह से प्लेन होंगे। तो इसमें जो फोर्स लग रहे हैं हमारे, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखाया है मैंने, तो एक पहले प्लेन में भी है, दूसरे में भी है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हो गए। तो इसका नाम बन गया कॉन्करेंट, क्योंकि एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं ये बट डिफरेंट प्लेन में। तो उसका नाम क्या बना, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। जबकि हम फिगर नंबर टू में हम देख कह रहे हैं, फिगर नंबर टू में क्या है, नॉन कोप्लेनर, क्योंकि नॉन कोप्लेनर क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन है, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, तीसरा प्लेन ये है, बट इसके अंदर फोर्स क्या है, एक की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, एक की नीचे जा रही है, एक की रैंडम है, मतलब इस तरीके से। तो इस तरह के सिस्टम को बोलेंगे हम नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, जस्ट कॉन्करेंट का उल्टा। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है हमारा ये नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। तो पैरेलल फोर्स वही वाला तरीका, क्योंकि नॉन कोप्लेनर तो ये अलग अलग प्लेन हो गए, एक ही प्लेन हो गया, एक ही प्लेन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लगे हैं, बट पैरेलल फोर्स हैं एक दूसरे के, तो ये सब इस तरीके से आ गया। तो हमने ये इस तरीके से, ये इजी चीज़ थी, हमने ख़त्म कर ली है। तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़े हमने। सिस्टम ऑफ फोर्सेस बेसिकली हमने टू पार्ट में डिवाइड कर लिया था, जैसे कि हमारा पहला पार्ट था हमारा कोप्लेनर फोर्स एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स अपने नाम से ही बता रहा था कि समतलीय फोर्स होते हैं, समतलीय मतलब एक ही तल में लगे होते हैं। और नॉन कोप्लेनर फोर्स हमने बताया था कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तल होते हैं, अलग अलग प्लेन होते हैं इसके। तो इनको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, उनको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया था। डिवाइड करने का तरीका सेम था, डैट इज़ द फर्स्ट कॉन्करेंट, डैट इज़ द सेकेंड नॉन कॉन्करेंट, डैट इज़ द थर्ड पैरेलल फोर्स। तो कॉन्करेंट जो एक ही बिंदु से होते हुए जाएंगे, जो कि नॉन कॉन्करेंट जो कि अलग अलग बिंदु से होते जाएंगे, पैरेलल फोर्स उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, बिल्कुल समानांतर पर रहेगी। तो दोनों के अंदर था ये फिगर, से हमने देख लिया था बिल्कुल। ये फिगर हमारा पास था सिंपल सा, एक ही प्लेन के अंदर थी चल रही थी बात, इसी के बाद हमारा ये चल रहा था डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के फोर्स, बलों का समानांतर चतुर्भुज का नियम। बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये इंजीनियरिंग
अप्लाइड मैकेनिक्स के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए ये तो टॉपिक आना ही चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लास्ट ईयर भी मैंने कराया था तो एग्ज़ाम में आया था इसे, तो चांसेस होते हैं इस सवाल के आने के, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ये सवाल है। इसके अंदर हम कुछ केसेस देखेंगे, इसके अंदर हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला बनता कैसा है, रिलेटेंट फोर्स निकालेंगे, डायरेक्शंस निकालेंगे इसकी। निकालने के बाद फिर हम कुछ तीन चार इसके अंदर केसेस होते हैं कि जब फोर्सेस हमारा डायरेक्शंस अपोजिट होती है, सेम होती है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये चीज़ें होती हैं, तो ये भी देखेंगे। तो बड़ा ईजी है, आप लगे रहिए चीज़ में, उम्मीद है समझ में आएगा आपके ये चीज़। ओके, तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं इस टॉपिक को। ओके, थैंक यू।